वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अगर कक्षा 12 पास यानी क्लास 12th पास हैं तो आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, ये मन में बहुत सारे लोगों के रहता है कि हम कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें। या आप हाई स्कूल पास करके पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो मतलब आप मिनिमम मान चलिए कक्षा 10 पास हैं और किसी भी स्टेट से हैं आप जो कि इंडिया के, तो आप कौन सा कोर्स करें। आपके मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं और आप यूट्यूब पे वीडियो भी सर्च करते हैं क्लास 12th पास या क्लास 10th पास हम कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें, तो उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। यहाँ पे एक ट्रस्टेड कोर्स लेके आ गया हूँ जो कि आप घर बैठे उस कोर्स को करके और अपने घर पर भी उसका सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी पाएंगे। मतलब होता है जैसे आप एक इंस्टीट्यूट में जाके मतलब किसी सेंटर में आप अपने नज़दीकी जाते हैं और कोर्स को करते हैं, उसके बाद आप उसका सर्टिफिकेट क्या करते हैं लेते हैं, ऐसा आपको मिलता है, वहाँ पे हार्ड कॉपी मिलता है। तो सेम उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी आपको घर पे हार्ड कॉपी दिया जाएगा सर्टिफिकेट। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप को अच्छे समझिएगा, नहीं तो आप बहुत सारी जानकारी क्या करेंगे मिस्टेक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अच्छे समझना है और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो हमारे यहाँ मिलती है कोर्स के बारे में जो भी, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए ताकि आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चल जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे हैं ना आपके स्टेट से कि ये सब बच्चे कोर्स किए हैं, तो सिंपल से आपको कोर्स करना है जानना है तो मैं यहाँ पे बताऊँगा। करना ना करना वो बात की बात है कि हम करें ना करें, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती तब लोग करते हैं, पहले नहीं करते हैं। अगर आप पहले करके रखे रहे हैं तो इमरजेंसी में आपको ज़रूरत जब पड़ती उस समय आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको जाना अपने मोबाइल के गूगल में, ठीक है, मोबाइल आप लैपटॉप जो भी चलाते हैं वहाँ पर आपको जाके टाइप करना है पंकज 98। क्या टाइप करना? पंकज 98। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ पंकज 98, आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, तो पंकज 98 जिसको कहते हैं आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा पंकज 98 एजुकेशन की ऑफिशियल साइट आपको आ जाती है। सिंपल से आपको इस पर क्या कर देना, क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें देखेंगे आपको होम है, कोर्स है, आपको CCC से रिलेटेड PDF नोट्स है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है और वेरीफाइड सर्टिफिकेट है। मतलब आप अपने सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कोर्स कौन कौन से, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो बच्चे हैं आप देख रहे हैं ओरिजिनल बच्चे यहाँ से जो है कि हमारे यहाँ से कोर्स करते हैं, उनको घर पे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। नीचे आप आएंगे तो टोटल आप देखेंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट आपके जो है 5,828 हैं और यहाँ पे 4,480 सर्टिफाइड स्टूडेंट मेरे यहाँ पे हैं। ये देखिए जम्मू कश्मीर से बच्चे हैं यहाँ पे आपके, न्यू दिल्ली से जो कि पंजाब से है, इस तरह से हर जगह के बच्चे हैं। इनको घर पे सर्टिफिकेट मिला तो ये फ़ोटो क्या करते हैं मुझे भेजते हैं, तो मैं इनका फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, शायद आपका भी फ़ोटो यहाँ पे लग जाए अगर अच्छा है तो। स्पीड पोस्ट से फ़ोटो जाता है घर पर, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर बात करते हैं कोर्स में। यहाँ पर जब आप कोर्स में आएंगे तो कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके कई कोर्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोर्स पर क्लिक किया तो अवर कोर्स मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कोर्स है आपका, टैली है आपका 499 वन मंथ का, DCA कोर्स है जो कि 6 महीने कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, MS ऑफिस है इस तरह से, और एक्सेल है, ठीक है। तो ये कोर्सेस हैं। अब ये मेरे पास इतने कोर्सेस, आपके पास भी मतलब कहीं पे और भी कोर्सेस मिले तो आप कहीं से कर सकते हैं जो कि मेरे यहाँ से, मेरा काम था आपको बताना, सजेशन देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप ज़्यादा टैली पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर आप DCA भी कर लेते हैं 6 महीने में तो उसमें टैली आ ही जाता है, एडवांस एक्सेल उसमें आ जाता है, ठीक है। क्योंकि एक आप 6 महीने का डिप्लोमा करते हैं यहाँ पर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं कहूँगा कि आप इसी कर लीजिए, क्योंकि आप अलग अलग करेंगे तो आपको बहुत सारा कास्ट पड़ सकता है। जैसे 399 है आपका, 499 यहाँ पे, 899, 500, तो सारी चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं तो सीधे से भैया DCA कर लो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपके पास थोड़ा कम समय है 1 ही महीने का है तो आप टैली कर लो 499 में 1 महीने का। अगर टैली उनके लिए जो थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, अगर आप एकदम अनहोन कुछ नहीं पता है तो भैया आपके लिए तब ये नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे कोर्स को, ये जो कोर्स यहाँ पर दिख रहा है इसको कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, कैसे ज्वाइन करना, उसके लिए आपको सिंपल से करना कुछ नहीं, मैं यहाँ पे प्रोसेस बताऊँगा। आपको होम पे क्लिक करना होगा। अभी जैसे आपके सामने होम खुला था, बैनर दिख रहा है ना, बैनर के जस्ट नीचे आप देखेंगे लेटेस्ट कोर्स का ऑप्शन आता है और उसी में आप देखिएगा तो वहाँ पर सी हाउ टू डू कोर्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं बार बार एक ही वीडियो नहीं बना सकता, बार बार रजिस्ट्रेशन कैसे करना, बार बार सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई करना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब इस वीडियो को आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए। एज एजुकेशन दोस्तों भी हो चुके हैं
ठीक है, तो इस वीडियो का पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से यहाँ पे क्या होगी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन करना बताया डीसी कोर्स के बारे में। अगर आप कहोगे सर यार ये तो डीसी कोर्स के बारे में रजिस्ट्रेशन करना है तो टैली कैसे करें, तो उसमें सारा चीज़ है, डीसी नहीं करना, टैली करना, बीसीसी करना है, एमएस ऑफिस करना है, तो सबको कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अंतर रहता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में और बाइक करने में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई है, वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर करिए, चैनल पहली बार तो मैं एक बार फिर कराऊँ कि इसको सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।